कॉमनवेल्थ गेम्स। एक खबर ने देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया। खबर थी कि भारत को 19वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए चुना गया है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, जिसकी तैयारी के लिए भारत के पास 7 साल थे। भारत के पास वो मौका था जब भारत पूरी दुनिया को उभरते भारत से रूबरू करा सकता था। अब समय जो है काफी निकल चुका है। मैंने 8 साल पहले ये बात कही थी जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया को अलॉट हुई। ऐसा होता भी अगर केंद्र में सरकार न बदली होती। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने दुनिया को रूबरू कराया अपने घोटाले करने की तकनीक से। कॉमनवेल्थ का किराया घोटाला सामने आने पर खेल आयोजन समिति बौखला गई है। आनन फानन में सारे आरोपों पर सफाई दी जा रही है। जहां पूरी दुनिया को भारत पर गर्व करना चाहिए था, वहां कांग्रेस के कारण भारत विश्व से नजरें नहीं मिला पा रहा था। Everything will be ready by December. कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारियां हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों की जांच CBI भी कर रही है और CBI ने घोटाले से जुड़े कुल 19 केस दर्ज किए थे। हुआ यूं कि जिन 7 सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी होनी थी वो 7 साल कांग्रेस ने काम कम घोटाला ज्यादा करने में लगाए। 3 अक्टूबर 2010 को कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने थे, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी कर दी। तस्वीरें जारी होते ही पूरे विश्व में भारत की किरकिरी होने लगी थी। मीडिया की उन तस्वीरों में दिखाया गया था कि खिलाड़ियों को रहने के लिए जो क्वार्टर बनाए जाने थे वो आधे अधूरे थे। गेम्स के शुरू होने से पहले एक डेलीगेशन तैयारियों का जायजा लेने भारत आया। We are disappointed in a number of things. There's no question at all about that. There are matters relating to transport and difficulties there. The security arrangements, the fire safety arrangements, evacuation of the building. डेलीगेशन ने तैयारियों पर सवाल उठाते हुए एक कमरे की बिस्तर की फोटो सबमिट कर दी, जिस पर कुत्ते ने केक बना रखा था। इसके अलावा कुछ अन्य तस्वीरें भी थी जिनमें बाथरूम में पान की पीके दिखाई दे रही थी। ये तो बस कांग्रेस के कारनामों का ट्रेलर भर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। 29 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति तिब्बा पाटिल को ब्रिटेन के शाही बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ ने बैटन सौंपा और राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक शुरुआत की। राष्ट्रमंडल खेलों की पुरानी परंपरा है कि ये बैटन सभी कॉमनवेल्थ देशों की यात्रा कर उस देश में पहुंचता है जहां पर खेल हो रहे होते हैं। तो ये बैटन दिल्ली पहुंच गया। इस बैटन की ट्रांसपोर्ट वीडियोग्राफी बैरिकेडिंग के लिए AM फिल्म्स नाम की कंपनी को करीब 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस लेन देन पर ब्रिटिश हाई कमीशन की नजर थी और कमीशन ने भारत को इस लेन देन की सूचना दी। जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। इस बात के बाहर आते ही आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। कलमाड़ी ने भी अपनी सफाई में एक ईमेल दिखाते हुए कहा कि AM फिल्म्स कंपनी का सुझाव उन्हें लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन ने दिया था। हाई कमीशन ने कलमाड़ी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सुझाव दिया ही नहीं है। बस यहीं से तय हो गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा खेल हुआ है। कांग्रेस ने इन खेलों में ऐसा लूटा जो आप सोच भी नहीं सकते। जिस टाइम स्कोरिंग रिजल्ट मशीन का टेंडर 4 नवंबर 2009 को खोला गया, उस टेंडर को 12 अक्टूबर 2009 को ही स्विस कंपनी को दे दिया गया था। जिस मशीन का काम MSL स्पेन 62 करोड़ रुपए में कर रही थी, उसे टेंडर न देकर उस स्विस कंपनी को दिया जिसने उस काम के 157 करोड़ रुपए लिए, जिससे ये साफ हो गया कि 95 करोड़ रुपए का खेल कलमाड़ी ने किया था। इतना ही नहीं, टॉयलेट पेपर का रोल जो 100-200 में आता है उसे 3-4 हजार प्रति रोल पर खरीदा गया। 300 रुपए के सोप डिस्पेंसर को हजारों में और लाखों की प्रैक्टिस मशीनों को करोड़ों में खरीदा गया। ऐसा करते करते भारत की जनता की मेहनत की कमाई का 70 हजार करोड़ कांग्रेस खा गई। लेकिन कांग्रेस की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। ध्यान दिया आपने? इतने जीरो थे इस आंकड़े में, पूरे 10 जीरो। ये कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, ये
एक घोटाले की फिक्र से, वो भी 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले के। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चुना। ये घोटाला कांग्रेस की सरकार के दौरान द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में ही हुआ था। वैसे कांग्रेस के राज में पब्लिक इंटरेस्ट के काम कम और अपने यानी नेताओं के इंटरेस्ट के काम ज्यादा हुए थे, तभी तो करप्शन और स्कैम्स की सरकार बनकर रह गई थी यूपीए सरकार। मनमोहन सिंह को सोनिया जी और राहुल जी करने से फुर्सत भी नहीं मिली थी कि उनकी सरकार के मंत्री कर गए थे घोटाला 2G। यह घोटाला साल 2010 में सामने आया जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक यानी कैग ने अपने एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की साल 2010 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि बिना नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया। यूपीए सरकार पर आरोप लगे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करने से सरकारी खजाने को अनुमानित 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। कैग का मानना था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो सरकारी खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए और हासिल हो सकते थे। आरोप लगे थे कि यूपीए सरकार द्वारा नियमों की अनदेखी कर टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम बेचा गया। बाद में बेहद ही सस्ते दामों पर 2G स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियों ने 2G लाइसेंस को कई गुना महंगी कीमतों पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इस गड़बड़ झाले के चलते कई सवाल खड़े हुए, आखिर क्यों यूपीए सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में इतनी हड़बड़ी दिखाई, आखिर क्यों यूपीए सरकार ने नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाई, आखिर क्यों यूपीए सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया, आखिर क्यों आवेदन की अंतिम तारीख निर्धारित तिथि से पहले कर दी गई, आखिर क्यों आवेदन के समय पात्रता मानकों को पूरा नहीं करने वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए, आखिर क्यों 2G स्पेक्ट्रम ऐसी कंपनियों को भी दे दिए गए जिन्हें टेलीकॉम सेक्टर का कोई अनुभव ही नहीं था। कांग्रेस राज में अपनी जेबें गर्म करने और अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे स्कैम की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। आरोप ये भी है कि कंपनियों को गलत ढंग से स्पेक्ट्रम आवंटन करने के लिए रिश्वत तक दी गई, तभी तो महज 2G लाइसेंस पाने के इस खेल में फिल्म प्रोड्यूसर फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर से लेकर रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी भी शामिल रहे। 2G घोटाला महज 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला भर नहीं था, बल्कि ये देशवासियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था, ये देशवासियों के साथ विश्वासघात था, ये देशवासियों के साथ धोखाधड़ी थी, ये पूरे देश के साथ किया एक आपराधिक षड्यंत्र था जिसने पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया था। जमाना 4G का आने वाला है, मगर सरकार के पांव उस 2G के कीचड़ में धंसे हैं, जिसके घोटाले में मनमोहन सरकार के एक मंत्री जी की कुर्सी गई और बोनस में मिली जेल।